नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे 6800 की लिस्ट को लेकर के लगातार 33वें दिन भी धरना प्रदर्शन SCERT लखनऊ पर जारी रहा। वहीं बात करें अब तो नए सिरे से धरना की तैयारी हो रही है। फिलहाल अमरेंद्र और रंजीत यादव के नेतृत्व में नहीं बल्कि 6800 चयनित शिक्षक अब महिला नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें 30 अप्रैल को नियुक्ति लेकर ही जाना है, ये कहा गया है। महिला नेतृत्व रीना सान सुमन के नेतृत्व में अब नए सिरे से ये आंदोलन चलेगा। 30 अप्रैल को जो महाधरना है वो महिला नेतृत्व में होगा, जिसमें रीना सान सुमन के नेतृत्व में महाधरना का आयोजन किया जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि महिला चयनितों की तरफ से 6800 चयनित परिवार लखनऊ आने का किया गया है आह्वान। अब 6800 चयनित शिक्षक पूरे चयनित परिवार लखनऊ 30 अप्रैल को महाधरने का जो आयोजन होगा वो महिला नेतृत्व में होगा। यानी कि महाधरना में जो 2 मई के केस से पहले महाधरना करके सरकार के ऊपर ये दबाव बना जाएगा कि अब जल्द से जल्द 2 मई के जो फैसले होंगे कोर्ट से, उसमें जल्द से जल्द 6800 को नियुक्ति पत्र दिया जाए। 30 अप्रैल को इन्हें के नेतृत्व में महाधरने का आयोजन किया जाएगा। बात करें आज की अपडेट न्यूज की तो परीक्षा 13 से 16 मई तक होगा। पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। कांस्टेबल भर्ती सभी 470 सेंटर पर जैमर लगेंगे ताकि प्रदेश में नेट ना बंद करना पड़े। तो यहाँ पे पद की संख्या है 4588। अभ्यर्थी जो बैठेंगे वो बैठेंगे 18,83,163, यानी हर पद पे 410 अभ्यर्थी। पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड परीक्षा 32 जिलों में 13 है, ऐसे 16 मई तक होगा। वहीं नियुक्ति से वंचित TGT PGT चयनित अभ्यर्थियों से मांगा गया प्रत्यावेदन। साक्ष्य सहित चयनित अभ्यर्थी को 5 मई तक ईमेल के जरिए देनी होगी जानकारी। तो TGT PGT 2021 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। जवाब पता था बस समय से लिख नहीं पाया, पास कर देना गुरुजी, यूपी बोर्ड की कॉपियों में लिख रहा है बच्चे ये सब। मुख्यमंत्री की शक्ति पर चयनितों की तलाश, नियुक्ति पाने से वंचित। TGT PGT चयनित से अपर शिक्षा निदेशक ने मांगा प्रत्यावेदन। तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हुए सख्त। अब चयनितों की तलाश कर रहा है बोर्ड कि कहां पे हैं चयनित जिन्हें भी नियुक्ति नहीं मिला है, नियुक्ति पाने से वंचित रहे। TGT PGT चयनितों से अपर निदेशक ने मांगा प्रत्यावेदन और चयन बोर्ड कर रहा है समायोजन पे मंथन। वहीं APS में सैकड़ों पद 10 साल से खाली हैं। UPSC के अफसर से लेकर मुख्यमंत्री जनता दर्शन तक भटक रहे भर्ती। नए शैक्षिक सत्र के लिए चार्ट जारी, अब सप्ताह में 45 घंटे होगी पढ़ाई। 6800 के लिए अब आंदोलन तैयार हो गया। महिला नेतृत्व में ही आंदोलन होगा जो कि 30 तारीख यानी 30 अप्रैल को निर्धारित है। वहीं 6800 का आज एक ग्रुप, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल जी का जन्मदिन है, सभी लोग उनको बधाई भी देंगे और अपनी समस्या भी लिखकर उनको देंगे। तो मिलने के लिए अनुप्रिया जी से 2 मई को लखनऊ में रहेंगी। वे अपना दल का मीटिंग है 4:00 तक, उसके बाद उनसे मिलने का प्रयास किया जाएगा, ये टीम की ओर से कहा गया है। हालांकि आज उन्हें बधाई देंगे और उनसे मिलने का भी प्रयास किया जाएगा 6800 के मुद्दे को लेकर।